मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। ऑफिस ओपन किया है और विवेक हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, आकांक्षा जी भी बहुत अच्छी अभिनेत्री है और मैं दिल से इन लोगों को ऑफिस के लिए और नए काम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कारोबार को संभालेंगे आप? अरे मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी और आज तक मैं संभालती आई हूँ बहुत सारी चीज़ों को और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज से मेरी लाइफ का नया वेंचर स्टार्ट हुआ है। नए पार्टनर के साथ हूँ मैं, विवेक कुमार जी के साथ में हूँ, ही इज़ माय पार्टनर और आप तो मुझे जानती हैं, आपकी प्यारी प्यारी आकांक्षा अवस्थी। तो अब कुछ अच्छा नया काम करने जा रही हूँ, प्रोडक्शन हाउस मैंने खोला है, अक्स पाठशाला एंटरटेनमेंट। अक्स पाठशाला एंटरटेनमेंट ये जितना बड़ा नाम है, इसमें इतने ही बड़े मैं काम करने वाली हूँ। अक्स वो होता है जो आप शीशे में खड़े होकर के देखते हैं, अक्स आपका खुद का प्रतिबिंब होता है, उसे हिंदी में हम ये बोल सकते हैं। मेरे पास जो प्रोजेक्ट है, जिन प्रोजेक्ट्स पर मैं काम करने वाली हूँ, वो प्रोजेक्ट्स आपको आपके अक्स से रूबरू कराएंगे। जैसी मैं हूँ, जो चाहती हूँ, जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ, मैं अपनी खुशी का पूरा ध्यान रखती हूँ एंड मैं अपने अक्स को बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ और एज एन आर्टिस्ट मैं चाहती हूँ मेरे इस प्रोडक्शन हाउस में हर एक आर्टिस्ट को वो फैसिलिटी मिले, वो स्किन मिले, काम करने का वो मौका मिले और मैं चाहती हूँ कि हर एक आर्टिस्ट अपनी खुशी से मेरे प्रोडक्शन हाउस में काम करें। बिकॉज अब मैं एक आर्टिस्ट रही हूँ तो मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट को क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, तो मैं उस पर बहुत सारा सा काम करूँगी और इस पाठशाला में मनोरंजन के थ्रू लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगी। तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स को मतलब सपोर्ट करेंगे? फिलहाल तो मतलब एक्ट्रेस भी हैं, अभी प्रोड्यूसर बन गई हैं, तो दोनों चैलेंज को कैसे फेस करेंगे एक साथ? बिल्कुल चैलेंज है एंड माय हॉबी इज टेकिंग चैलेंजेस, सो मैं डेफिनेटली फेस करूंगी इन सब चीज़ों को भी फेस करूंगी और इसमें ऐसा फेस करने जैसा कुछ नहीं है, जिंदगी है, जिंदगी में हर्डल्स आते हैं और मजा तो तभी आएगा, अदरवाइज आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा अगर आपकी लाइफ में हर्डल्स नहीं आए, डर के आगे जीता है। तो हम काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट, इस प्रोडक्शन हाउस के अंडर मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रियल लाइफ रियल स्टोरी बेस्ड इवेंट्स हैं, उन पर हमने 5 प्रोजेक्ट हमने जो है लाइनअप करके रखे हैं एंड फर्स्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ हम लोग ऑन फ्लोर चले जाएंगे और उसके मुहूर्त पर हम सबके साथ मीडिया के साथ वापस मिलेंगे। और क्योंकि ये मेरा नया प्रोडक्शन हाउस है, मुझे मीडिया की बहुत ज़रूरत है बिकॉज मेरा जो विज़न है वो बहुत क्लियर है और मेरे विज़न को आप लोग ही आगे बढ़ाएंगे बिकॉज अक्स पाठशाला एंटरटेनमेंट, मैं इस प्रोडक्शन हाउस के अंडर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती हूँ जो हमेशा से होता आया है, मुझे कुछ नया करना है, यूनिक करना है और डेफिनेटली जब कुछ यूनिक होता है लाइक पैडमैन, मेरी कॉम, बहुत सारे से ऐसे हैं, मिल्खा सिंह, जब कुछ नया होता है लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लोग पसंद करते हैं बिकॉज आपकी असल ज़िंदगी में जो हो रहा होता है उसी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। और मीडिया एक ऐसा ज़रिया है, फिल्म एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम लोगों को कुछ भी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, अगर गलत सिखा सकते हैं तो सही भी सिखा सकते हैं। तो बेसिकली मेरा टारगेट है कि मैं बहुत कुछ लोगों को सिखाऊं, दिखाऊं, जो एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं और जो मेरे पास कलेक्शंस हैं। तो बस तो पाठशाला में आज आपका पहला दिन है, क्या सीखा आपने? और हमेशा टीचर ऐसे ही बोलते रहते हैं कि आपको बोलने नहीं देती जी, ये आपने सही बोला कि इसमें जो आकांक्षा जी जो है वो अपने सामने किसी को नहीं बोलने देती है, टिकने नहीं देती है। बिल्कुल भी नहीं। और चूंकि इन्होंने 12 साल दिए है इस इंडस्ट्री को और मैं नया हूँ, मेरा आज पहला दिन है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, और लेकिन इन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया है। मैं मतलब इस प्रोजेक्ट के साथ जब इनसे पहली बार मिला था, इस प्रोडक्शन हाउस को के बारे में जब बात की थी, तो इन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए थे। पहले इनको कन्विंस करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक लगा था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और आपके साथ करना चाहता हूँ, बट फाइनली मैं सक्सीड हुआ और इन्होंने अप्रूव किया कि हाँ चलो हम साथ में मिलकर काम करते हैं। उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आई कैसा काम करना है, क्योंकि इनको इंडस्ट्री में जो चल रहा है उससे कुछ अलग करना था, जो चाहे आप भोजपुरी ले लीजिए, इन्होंने अभी भोजपुरी में भी 2-3 फिल्में की, तो उसमें जो ट्रेंड चल रहा है उसको ये चेंज करके कुछ अलग करना चाहती थी। और मेरा भी कुछ रीजन ऐसा ही था कि मैं ये इंडिया में मेरा पहला ऑफिस है और पहला प्रोडक्शन हाउस है जिसमें मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, तो इनकी जो थिंकिंग
मुझसे बहुत मैच किए, तो मैंने बोला कि ठीक है करते हैं कुछ अलग करते हैं। तो ये ड्रीम था मतलब पहले से आप लोगों का ड्रीम था? एक्चुअली मैंने एक सपना देखा था और इन्होंने एक सपना देखा था, तो वो जो हमारे सपने के लिए जो हमारा एक जो विजन था, जो हम लोग एक ट्रैक जो हम चाहते थे, मेरा भी ट्रैक जो था वो सिमिलर था, इनका भी वही था, बट ये है कि अब ये ट्रेन की पटरी के जैसा हो गया कि दोनों आकर के साथ में काम कर रहे हैं और दोनों के सपने एक हो गए। हाँ बस ये बोल सकते हैं। और कहाँ तक पहुँचेगी ये लखनऊ से छुट्टी? ऑब्वियसली मुंबई तो पहुंच चुकी है, मुंबई से आगे कहाँ पहुंचेगी आप ये पूछे मुझसे। नए कलाकार जो होते हैं, नए जिनकी सोच होती है, वो नए कलाकार मुंबई आते हैं लेकिन अपने सपनों को लेकर कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता है, तो क्या नए कलाकारों को भी आपके प्रोडक्शन हाउस की तरफ उनको मौका मिलेगा काम करने? हमारे प्रोडक्शन हाउस में हर उस कलाकार को मौका मिलेगा जिसमें टैलेंट है, वो नया है या ऑलरेडी मार्केट में जो है अभी, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर टैलेंटेड है तो उनको पूरा मौका मिलेगा। आकांक्षा, ये जो पोस्टर है उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए चेयर पे, जरा उसकी उसके ये बच्चे नहीं, मैं आपको अपना लोगो डिफाइन कर देती हूँ। अक्स, ये आपका आईना है और इसमें अक्स दिख रहा है, पाठशाला एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट पाठशाला ये हमारा चल रहा है, ये हमारी ऑडियंस है जो हमारे साथ है, हमेशा हमेशा साथ में ही रहेगी। अगर ऑडियंस हमारे साथ नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, और हमारी मीडिया भी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं लोगों को अपने विजन क्लियर नहीं कर पाऊंगी तब तक मैं इस प्रोडक्शन हाउस को सक्सेस की ओर नहीं ले जा पाऊंगी। आकांक्षा, आपने बात की भोजपुरी फिल्मों से भी आप एक्टिव रही हुई, भोजपुरी का कोई पर्टिकुलर स्टार नजर नहीं आया है आपका? संजय भूषण मुझे नजर आया, उसके बाद कोई नजर नहीं आया आपको? भोजपुरी का स्टार कोई इसलिए नहीं नजर आया क्योंकि इस समय इलेक्शन का टाइम है, बिकॉज अब आज 13 मई है, कल 12 मई थी और सारे के सारे इलेक्शंस में बिजी हैं। निरोवा जी आजमगढ़ में, रवि किशन जी इस समय गोरखपुर में हैं एट प्रेजेंट, और पवन जी भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, न्यूज में सब आ रहा है, और ये आदमी यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी के लिए आया है और इस इंसान ने वापस 100% रवि जी ने मुझे बधाई दी है, रवि जी ने मुझे ये भी बोला है कि वो आने के बाद मुझे मिलेंगे, पवन जी भी मुझे आने के बाद मिलेंगे, और केसारी जी यहाँ पर है नहीं, वो शूट में बिजी है, तो और कोई डिटेल जाननी है आपको? हाँ जी बिल्कुल, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे बोला आकांक्षी आप आगे बढ़िए, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। 100% फिलहाल आप मेरे प्रोडक्शन हाउस से अभी कोई भोजपुरी पिक्चर नहीं देख पाएंगे, अभी मैं हिंदी पिक्चर फ्लोर पर लेकर के जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ। अच्छा, भोजपुरी क्यों नहीं पहले शुरू करना चाहती, हिंदी क्यों शुरू करना चाहती? आनंद जी के क्वेश्चन से वो सामना, क्योंकि मैं पहले हिंदी सीरियल्स में काम करती थी और बाद में भोजपुरी में काम करती हूँ, तो पहले मैं हिंदी बनाऊंगी फिर मैं बाद में भोजपुरी पे आ जाऊंगी। लेकिन मैं ये समझता था कि आपको भोजपुरी में ज्यादा प्यार मिला, ये सब कुछ नया नया है, तो कहीं मन में कोई डर है कि जो आपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की है इसे किस तरह से आगे लेकर जाएंगे? एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं थोड़ा नर्वस था, बट जो मैडम का कॉन्फिडेंस देखा तो अब ये वो नर्वसनेस खत्म हो गई है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो भी प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग कुछ अलग हटके और बड़ा करेंगे। तो इस प्रोडक्शन हाउस से जो फर्स्ट फिल्म होगा, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, वो कैसा होगा, क्या कुछ आप लोगों की सोच है? मैंने इसे पहले भी बताया है, रियल इवेंट बेस्ड, तीसरी बार बता रही हूं, और तो रियल इवेंट बेस्ड स्टोरी है जो आपको आपके आप से रूबरू कराएगी, आपको टच करेगी और आपको बहुत पसंद आएगी, और उसके लिए मैं आपको वापस मिलूंगी। जो विवाह की बात कर रहे थे, विवाह, आप विवाह करके पिछले दिनों आई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। विवाह करके आई हूँ मैं, और अभी मजा आई थी मुझे विवाह करने में, फिर से विवाह करने वाली हूँ मैं। अच्छा, फिर से विवाह करने वाली हैं? अच्छा, हाँ, तो अब एक ही बार विवाह करूंगी मैं। नहीं, 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 आप डबल डोर शादी करने बिल्कुल जितनी बार मर्जी है शादी उतनी बार करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? विवाह फिल्म की बात कर रहा था, क्या आकांक्षा अवस्थी असल जिंदगी की शादी की बात कर रही है? असल जिंदगी की शादी तो मतलब फिर वो देखेंगे, फिर उसके लिए लड़का भी चाहिए, तो उसके लिए भी पार्टनर चाहिए। पार्टनर मिलेगा तो मैं सबसे पहले बताऊंगी आप लोगों को, फिलहाल मुझे अभी बिजनेस पार्टनर मिल गया है और बिजनेस पार्टनर के साथ काम कर रही हूं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।